संघर्ष की कहानी, और संघर्ष के बाद जब आपको सफलता मिलती है तो उसका रस बहुत ही मीठा होता है। यूपीएससी का एग्ज़ाम और यूपीएससी के रिज़ल्ट घोषित किए गए, उसमें सबसे पहला स्थान प्राप्त करने वाली श्रुति शर्मा जो बिजनौर से आती हैं वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू, शुक्रिया। पहला अटैम्प्ट, दूसरा अटैम्प्ट और क्लियर हो गया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी लग रही है। सबसे ज़्यादा तो एक रिलीफ है कि अगला एग्ज़ाम अब नहीं देना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ने में थोड़ी आराम मिला है, तो हाँ काफ़ी खुशी मिल रही है, और घर वालों की खुशी देखकर उससे भी ज़्यादा खुशी मिल रही है। तैयारियाँ लगातार आप कर रही थी, पहले अटैम्प्ट में आपका फॉर्म गलत हो गया, उसके बाद दूसरा गया, पूरे इस कार्यकाल को कैसे देखते हैं, कितना संघर्ष रहा आपके? हाँ, मतलब ऊपर नीचे वो तो चलता ही रहता है। कई बार ऐसा लगता था कि नहीं छोड़ दो, बहुत बहुत पढ़ना हो गया। कई बार लगता था कि नहीं, अगर हम इसमें लगे रहेंगे तो उम्मीद है कि एक पॉइंट पर आकर वो सफलता मिलेगी। तो मैं ये खुश हूँ कि आखिरकार वो सफलता मुझे मिल गई, और जल्दी ही मिल गई। पर हाँ, मतलब थोड़ा मुश्किल तो था, पर मुश्किलें तो वैसे भी हर चीज़ में आती ही हैं। पूरे जब आप प्रिपरेशन कर रही थी तो ऐसा कुछ ऐसा सब्जेक्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, उस प्रॉब्लम को कैसे आपने निकाला, कैसे ख़त्म किया उसको लेकर? प्रॉब्लम क्योंकि मेन इसमें यूपीएससी में रहता है कि सिलेबस बहुत बड़ा होता है, तो उसको थोड़ा बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि मैंने ऑप्शनल अपना हिस्ट्री लिया था, जो मेरा बैकग्राउंड भी था, पर हिस्ट्री के साथ मुझे एक ये प्रॉब्लम आती थी कि बहुत वास्ट सिलेबस था, तो उसको जीएस के साथ बैलेंस करना 2 महीने में थोड़ा मुश्किल हो जाता था। पर इसके लिए मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे हिस्ट्री ऑप्शनल के, जिसकी वजह से मैं सिर्फ उन नोट्स को देखती थी एंड में, और रिवीजन में काफ़ी आसानी मिलती थी। बिजनौर से आप आती हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की हम बात की जाए, तमाम पहला स्थान आपने, कैसा लग रहा है यहाँ से, अब आप आगे अपने भविष्य को कैसे देख रही हैं? अभी मैंने बहुत आगे का तो नहीं सोचा है, बट अपने आसपास के लोगों की उम्मीदें देखती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ सभी लोगों के लिए करूँ, जिस भी प्रकार से देश की लोगों की सेवा कर पाऊँ, मैं अपनी तरफ से करने की कोशिश करूँ। मम्मी पापा बहुत खुश हैं, कैसा लगा उनका सपोर्ट आपको लगातार मिलता रहा, क्या कहना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा खुशी इसी को देखकर हो रही है कि मम्मी पापा और बाकी घर के लोग बहुत खुश हैं, उनकी खुशी को देखकर सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है। तो जब मम्मी को, अम्मा को, पापा को पहले बताया तो वो भी काफ़ी भावुक हो गए, खुश हुए, तो उसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में बताइए कि किस तरीके से आपने, आपको मोटिवेशनल मिली वहाँ से, किस तरीके से आपने सोचा कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना चाहिए, फिर यहाँ तक का सफ़र, कुछ सफ़र के बारे में बताइए। कॉलेज मेरा सेंट स्टीफन्स कॉलेज था, वहाँ पर मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी, तो पहले दोनों साल में तो इतना ज़्यादा नहीं था कि सिर्फ यूपीएससी करना है, बाकी जैसे कॉलेज में, जैसे मैं डिबेटिंग क्लब में थी और सोसाइटी वगैरह में थी, थर्ड ईयर में थोड़ा आकर मुझे लगा था कि अब थोड़ी यूपीएससी की तैयारी करनी है। कॉलेज से मुझे मेनली जो हिस्ट्री का जो बैकग्राउंड था, आई थिंक वो काफ़ी हेल्प किया मुझे, जो मेरा ऑप्शनल में भी उसने एक सपोर्ट दिया। 3 लड़कियों ने इस बार बाजी मारी है, पहला, दूसरा, तीसरा, लगता है लड़कियों में अब काफ़ी ज़्यादा यूपीएससी को लेकर, कैसे देखते हैं आप समाज को, और ख़ासकर आने वाली उन पीढ़ियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा लगा कि टॉप 3 हैं, सारी लड़कियां हैं, और ये दिखाता है कि सिर्फ यूपीएससी में नहीं, हर जगह, जैसे खेल में, पॉलिटिक्स में, हर जगह जैसे लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं, यूपीएससी भी एक ऐसा वो है, और ये इसका भी इंडिकेशन देता है कि सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़कियों में तो वो जज्बा होता ही है, उनके आसपास समाज भी उनको एक अलग तरीके से देख रहा है, और वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि इवन ग्रामीण परिवेश से भी लोग अब इतना संकुचित सोच के नहीं रहे हैं, हिचकिचाते नहीं हैं लड़कियों को बाहर भेजने में, पढ़ने में, कि यूपीएससी कोचिंग के लिए कई बार दिल्ली आना पड़ता है, तो वो हमें ओवर द ईयर्स थोड़ा चेंज देखने को मिला है, और वो बहुत ही अच्छा और सुखद चेंज है। कभी ऐसा हुआ कि जब आप प्रिपरेशन कर रही थी, कभी डीमोटिवेट हुई हूँ, कभी सोचा नहीं छोड़ देती हूँ, फिर कहाँ से फिर दोबारा लगा कि हाँ नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ आपकी कहानी? हाँ, ये तो ऊपर नीचे चलता ही रहता है, कई बार बिल्कुल नहीं मन करता। लास्ट टाइम जब वो हिंदी का चेंज हो गया था, तो कई बार उसमें लगा कि शायद अटैम्प्ट दो ही मत, क्योंकि अब हिंदी में कैसी अटैम्प्ट करेंगे, पर वही अपने माता पिता का जो मोटिवेशन था, सपोर्ट था, साथ साथ में जो दोस्त थे, कई बार बुरा लगता था तो उनके पास जाते थे, तो वो याद दिलाते थे कि क्यों हमने शुरुआत की थी ये जर्नी की, तो वही दोस्तों और अपने घर वालों के सपोर्ट की वजह से वापस खड़े होकर और फिर से पढ़ना शुरू करते थे। आखिरी क्वेश्चन लगा, सफलता का मंत्र आप क्या देना चाहेंगे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, जो बच्चे यूपीएससी करना चाह रहे हैं, उनके लिए ऐसा क्या सफलता का मंत्र देना चाहेंगे?
ऐसा कोई मंत्र तो नहीं है मेरे पास, पर यही कि जो हर कोई कहता है कि अपना यूपीएससी के लिए स्पेसिफिकली कि हार्ड वर्क और कड़ी मेहनत तो काफ़ी लोग करते हैं और बहुत लोगों को उसके बाद नहीं मिलता है, तो सबकी गुड विशेज़ हमेशा काम आती हैं, पर एक स्ट्रैटेजी आई थिंक होनी चाहिए यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अपना कंटेंट आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना इसकी समझ बहुत ज़रूरी होती है, सिलेबस का ध्यान में रखते हुए वो करना, और प्रैक्टिस और रिविज़न आई थिंक इसके बिना आप नहीं शायद क्रैक। बच्चों के मन में एक सवाल होता है कि कितने घंटे पढ़ाई करें जो कहीं ना कहीं उनको सफलता मिले, तो क्या इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? आई थिंक घंटे नहीं काउंट करने चाहिए कभी भी इसमें, कि ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो कंटेंट है, जो आपने टारगेट्स रखे हैं, वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं है। वो 2 घंटे में भी पूरे हो रहे हैं, 8 में भी नहीं पूरे हो रहे हैं, तो घंटे से नहीं फ़र्क पड़ता। पर हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है, बिना पढ़े नहीं होगा, तो काफ़ी घंटे तो लगाने पड़ेंगे। पर लोग जॉब के साथ भी ये करते हैं, तो वो अपने जो रात को 2-3 घंटे पढ़ते हैं उसी में बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, तो आई थिंक उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रादर देन घंटे काउंट करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम श्रुति शर्मा के घर पे मौजूद हैं और श्रुति शर्मा के घर का माहौल क्या है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं कि परिवार वाले जो हैं लगातार मिलने पहुँच रहे हैं। फादर यहाँ पर मौजूद है, फादर से हम बात करेंगे उनके। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील दत्त शर्मा। कैसा लग रहा है आज? बड़ा गर्व महसूस कर रहे होंगे आप। अविश्वसनीय है हमारे लिए ये, मतलब कभी सोचा नहीं था हमने कि ये इस तरह के रिजल्ट्स आएंगे। पहली बार जब आपने सुनी ये खबर, कैसा लगा था उस समय? बहुत भावुक क्षण थे हमारे लिए। अब आपकी बेटी एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, क्या सपने हैं आगे, क्या लग रहा है वो? क्या वो जहाँ भी जाएगी अच्छा काम करेगी, लोगों की सेवा करेगी, देश की सेवा करेगी, उससे सब कुछ मुझे अच्छा करने की उम्मीद है पूरे जीवन में। कई सालों की तपस्या आज सफल हो गई। जी जी जी। कितनी दिक्कतें आईं, क्योंकि एक कीर्तिमान जब स्थापित होता है तो कई दिक्कतें होती हैं, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? नहीं, एज सच कोई समस्या का किसी का सामना नहीं करना पड़ा, बस यह है कि उसका अथक परिश्रम और जो उसकी लगन है उसके प्रति, ये उसका अपना चुनाव था। हमने, चूँकि हम दोनों साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो हमने प्रयास किया कि वो साइंस साइड में जाए, इंजीनियर बने या हमारी अपनी लाइन में जाए, लेकिन वो शुरू से ही उसका क्रिस्टल क्लियर था कि मुझे आर्ट साइड लेनी है। और आर्ट साइड लेने के बाद में हमने प्रयास ये किया कि वो जो है इकोनॉमिक्स में करियर परस्यू के करे, लेकिन उसका ये क्रिस्टल क्लियर था कि मुझे हिस्ट्री लेनी है, और हिस्ट्री लेने में उसने सेंट स्टीफन टॉप किया, जेएनयू में जो है उसकी नंबर 1 रैंक थी, और उसके बाद जो उसने करियर सोचा था सिविल सर्विसेज, तो उम्मीद तो ये थी कि पहले अटेम्प्ट में निकाल लेगी, लेकिन कुछ वो थोड़ी ट्रेजेडी हुई मीडियम की, हिंदी मीडियम वो बाय द वे आ गया, तो हिंदी मीडियम में भी उसने एग्ज़ाम दिया और वो भी वहाँ भी 1 नंबर से उसकी कट ऑफ रह गई जो है, तो इस बार जो उसने मेहनत की थी उससे निकाला। फिर समाज में बहुत भ्रांतियाँ रहती है कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एक पिता के लिए गौरवमय क्षण है ये, और मैं देख भी रहा हूँ कहीं ना कहीं गला भी आपका भर चुका है। जी, नहीं ऐसा नहीं है, मेरी भतीजी है वो आज की डेट में डॉक्टर है, मेरी दूसरी भतीजी है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो कॉमर्स लाइन में है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास तो 3 बेटी हैं, तीनों बेटी अपने अपने जो है जगह पे झंडे गाड़ रही हैं। पिता की खुशी जो है वो देख सकते हैं, और देखिए यहाँ पे तस्वीरें भी, फैमिली फ़ोटो आप देख रहे होंगे। एक गौरवमय क्षण होता है किस तरीके से एक अलग अंदाज, और जो कीर्तिमान स्थापित किया है श्रुति शर्मा ने, और भी हमारे साथ परिवार वाले हैं, बातचीत करेंगे। आप ताऊजी हुए श्रुति शर्मा जी, 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 जी। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसा सोचा था आपने कि कहीं ना कहीं श्रुति इस तरह की कीर्तिमान? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पक्का विश्वास था कि ये सिविल सर्विस क्वालिफाई करेगी, इसी साल क्वालिफाई करेगी, लेकिन इतना सुंदर रिजल्ट रहेगा इस, ये थोड़ी कल्पना से बाहर की बात थी। ये गौरव में छने, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़े, बहुत बड़े, अद्भुत अद्भुत। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा विपिन पांडे। क्या लगते हैं आप श्रुति जी के? ताऊजी लगते हैं। ताऊजी लगते हैं आप। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही खुशी का माहौल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं,
क्या नाम हुआ आपका? मीनाक्षी। क्या लगती हैं आप? मामी। मामी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई है, सफलता जो मिली है आज वो पूरी हो चुकी है। बहुत खुशी हुई मुझे, बस मैं खुशी के मारे इतनी उछल रही थी, बहुत बुरी तरह से गिर भी गई थी, फिर भी मैं उठ के चली मैं कि आज हमारी भांजी ने नाम रोशन करा है। कैसा कैसा लग रहा है क्योंकि बेटी ने आपके पहला स्थान प्राप्त किया है? भैया इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, शब्दों में वो बयान नहीं कर पा रही हूँ, मेरे हाव भाव शायद बता रहे होंगे कि मैं कितनी खुश हूँ। माता पिता का सपोर्ट एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, लगातार आपकी बेटी भी लगातार इंटरव्यू भी कह रही है, कहाँ कहाँ ऐसा लगा कि चीज़ें खराब हो रही हैं फिर आपने संभालने की कोशिश की? नहीं बस वो थोड़ा सा कई बार बीच में बच्चे होते हैं कि लगातार पढ़ रहे हैं तो कई बार मन में थोड़ा सा निगेटिविटी आने लगती है, बस वहीं पे थोड़ा संभालने की ज़रूरत होती है कि कोई बात नहीं, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तुम छोड़ दो अभी मत पढ़ो दो चार दिन, इस तरह से तो थोड़ा सा उसको सपोर्ट मिल जाता था। और बस वही खाने पीने का उसका ध्यान रखती थी और उसको पढ़ाई के लिए मना करती थी कि थोड़ा कम पढ़ लो तो थोड़ा। और माओं के लिए क्या कहना चाहती हैं जो कि अपने बच्चों को उसमें लड़की लड़के और लड़कियों में भेद ना करें और लड़कियों को बहुत ज़्यादा अच्छे से उनको पीछे से सपोर्ट करें हर तरीके से जो वो करना चाहें, उनको खींचे ना। हमारे पहले से यही रहा है कि लड़कियां कहीं बाहर जाना चाह रही हैं तो उनको रोक रहे हैं कि नहीं तुम नहीं जा सकती हो, लेकिन अब समय बदल गया है, अब थोड़ा उनको आगे बढ़ने दें, लड़के लड़की मिल के काम करें। बिल्कुल जी। तो ये मम्मी थी, एक यहाँ इनके परिवार में अम्मा जी हैं, उनसे ज़रूर बात करेंगे क्योंकि बहुत खुश, क्योंकि इनकी फ़ोटो जो है लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बैठ जाइए अम्मा, बैठ जाइए, बैठिए बैठिए बैठिए, बहुत वायरल हो रही हैं आप। अच्छा कैसा लग रहा है? आप लोगों ने किया वायरल भी भैया मुझे। कैसा लग रहा है बेटी? अच्छा, ने टॉप बहुत अच्छा लग रहा है भैया, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। जो उम्मीद थी कि ये बच्ची IAS बनेगी तो इसने वो पूरा कर दिया, उम्मीद को पूरा कर दिया, उम्मीद को पूरा कर दिया। ये कहते हैं कहीं ना कहीं जीवन सफल हो चुका है। हाँ सफल हो गया। कभी मैं अपनी इस बेटी को कराना चाहती थी IAS बनाना ही चाहती थी। ये जो मेरी आज नतनी हुई है इसकी जो मम्मी है उसको बनाना चाहती थी लेकिन नहीं बना पाई। पढ़ाई उसने पूरी की, MSc करी, MSc BEd है, वो टॉपर है कॉलेजों की, लेकिन वो ऐसी थी उस टाइम नहीं बना पाई, लेकिन आज उसकी पूर्ति इसने कर दी। तपस्या सफल हो चुकी है आज, और जिस तरीके से आप लगातार उनको सपोर्ट कर रही थी। हाँ, हाँ, बिल्कुल कर रहे थे भैया, हमें तो बस यही था, रात को पढ़ती रहती थी, दो दो तीन तीन बज जाते थे, मैंने कि बेटा अब तू सो जा, थोड़ा दूध लेके गई, बेटा ले दूध पी ले थोड़ा सा, बस यही है, बच्चों ने मेहनत में कमी नहीं छोड़ी। मेरे मामा सतीश शर्मा। कैसा लग रहा है आप? बहुत बढ़िया, बहुत फीलिंग हो रहा है, हमारा गर्व से ऊंचा कर दिया हमें, पूरा पूरा गांव हमारा इतना खुश है, आज सब लोग मीटिंग हो रही है अभी इस समय पूरे गांव में। जब पहली बार आपने खबर सुनी तो कैसा लगा उस समय? तो बस फूले नहीं समाए, बस बात भी नहीं हो पाई, ऐसे कर रहे थे बिल्कुल, मैंने कहा क्या हो गया ये तो बता दो कि श्रुति तो IAS बन गई, मैंने कहा अच्छा तो मैंने कहा आप क्या करोगे? आप मैं पहले पापा जी को फ़ोन करूंगा, मम्मी का फ़ोन जा रहा पापा जी के लिए बताने के लिए, और पापा जी भी बोले भैया बहुत, मैं तो पहले ही बोल के आया था कि ये लड़के IAS बने गई, ये तो बन गई, नाना ने बोल दिया था कि भैया IAS बन गई, हमारा आशीर्वाद है। आपका नाम क्या हुआ? विशाल शर्मा। क्या लगते हैं आप? भाई हूँ मैं। कैसा लग रहा है बहन ने आज टॉप मारा? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खुशी हो रही है। खुशी हो रही है जी। जब पहली बार सुना आपने तो कैसा लगा? क्योंकि देखिए भाई और बहन का जो रिश्ता होता है ना एक बहुत अनोखा होता है, जब भाई कुछ करता है या बहन कुछ करती है, भाई हमारे साथ आज मौजूद हैं, कैसा? मतलब पहले से पता था कि वो बनना तो है ही उसे, क्योंकि तैयारी इसी तरह से कर रही थी शुरू से, पर फर्स्ट रैंक आई है तो मतलब विश्वास ही नहीं हुआ पहले तो, बहुत ही खुशी हुई है। ऑफिस में सभी लोग मतलब मिठाई वगैरह मांग रहे हैं, अब सबको पार्टी देनी है। कहीं ना कहीं अब जहाँ पे आप जाते होंगे काम भी करते होंगे तो वहाँ का माहौल भी कहीं ना कहीं चेंज हो गया, चेंज हो गया बिल्कुल। बहुत बड़ा कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि दिन आप सब परिवार अलग ही पहचान मिल रही है अब, श्रुति के भाई के नाम से जान रहे हैं सब। बहुत बहुत खाना।